क्या बात है यार। दोस्तों अभी मैंने देखा ये माशाल्लाह अपने बेबी को फीड करवा रही थी, वो चली गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो चेक करें माशाल्लाह कितने ज्यादा बेबी, क्या बात है यार। इस हॉल में रखे हुए थे इसने छुपा के, मैं इस हॉल में देखी जा रहा था, जो हमने दो वीडियो में देखा था ना, इस हॉल में हम चेक करते थे और इसने यहाँ पे छुपाए हुए, क्या बात है यार, कितने ज्यादा बेबी नजर आ रहे है। इसके पीछे भी है, अभी फीड करवा रही थी वो, देखिये इनके मुंह के साथ दूध लगा हुआ है, क्या बात है। ओ तेरी खैर, वो बेबी चले गए यार, तो वो भी चला गया, तीन तो मुझे नजर आ रहे हैं। ओह हो, ये बेबी चलने लग गए हैं, इसलिए तो मुझे ज्यादा तंग कर रहे हैं। मैं हॉल के अंदर ढूंढ रहा हूँ और वो आगे भाग गए, क्या बात है, बेबी भी चलने लग गए और ये उनकी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पेट हाउस में बहुत ही डेंजरस चीज़ आने वाली है, बहुत ही खतरनाक है। मैं उसको लाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, उसकी केयर कैसे करते हैं, उसको खाने के लिए क्या देते हैं, उसको क्या बुलाते हैं। लेकिन यहाँ से हम पेट्स मार्केट से अक्सर पेट्स बाय करते हैं। उस भाई की रात को कॉल आई थी, वो कह रहे हैं आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल चीज़ है। जब मैंने जाके देखी, मैंने क्या समझा था कोई ईगल वगैरह होगी, क्योंकि मैंने उनको ईगल का कहा हुआ था कि ईगल मुझे चाहिए वो ला दें। लेकिन जब मैंने जाके देखी वो तो बहुत ही डेंजरस चीज़ थी, तो मैंने उसको हाथ लगाया तो मुझे तो काटने लगी थी, केज में बंद थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, इसको हम नहीं लेके जा सकते। वो कह रहे हैं एक दफ़ा ले जाएं, इसको केज में बंद रखना या रस्सी डालकर अपने पेट हाउस में रखना, काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छे व्लॉग आपके बना करेंगे। तो मैंने कहा इतनी डेंजरस चीज़ भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे कि एक दो दफ़ा ले जाएं, अगर अच्छी ना लगे तो आप हमें वापस कर देना। तो हम फिर एक दो दिन ला के उसको चेक कर लेते हैं हमारे पेट हाउस में कम्फर्टेबल रह सकती है कि नहीं। वैसे तो वो हैंड टेम भी हो सकती है, लेकिन जैसे मुझे रात को गुस्से में लग रही थी ना, मुझे नहीं लगता वो हैंड टेम होगी। तो अभी हम दोस्तों पेट्स मार्केट चलते हैं और उसको बाय करके लाते हैं। तो आपने वीडियो के अंत तक देखना है, वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब्सक्राइब के साथ बेल को भी दबा दें, ताकि हमारे पेट हाउस की तरफ से कोई भी न्यू व्लॉग आए तो आपके पास जोर जोर से बेल बजे, ताकि हमारा व्लॉग आप फौरन देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो अब आप जल्दी से बेल को दबाएं और मैं आपको रैबिट्स के बेबी का हाल बता देता हूं। सुबह जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, सुबह मैं नमाज पढ़ने के लिए उठा था और रैबिट्स को देखा, रैबिट्स अपने चार चार बेबी को फीड करवा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने तो एक बेबी देखा हुआ था, लेकिन चार चार थे। अभी हम और देख लेते हैं और निकले कि नहीं, फिर हम जल्दी से चलते हैं पेट्स मार्केट और उसको बाय करके लाते हैं। डक्स बाहर आ जाओ यार, जल्दी बाहर आओ, आपको खाना भी देता हूँ और मैंने रैबिट्स के बेबी चेक करने हैं। आ जाओ यार, दूसरी को क्यों नहीं बुलाया, वो भी आ गई। चल रैबिट्स, ये मुझे लग रहा है उसकी मम्मा आ गई है, साइड पे ना यार, मैं आपकी बेबी देख लूँ। इस हॉल में देखे थे हमने, पहले हम अक्सर इस हॉल में देखते थे, लेकिन इस हॉल में बेबी है, क्या बात है। वो सामने बैठे हुए हैं, आज तो बहुत ही करीब आए हुए हैं, क्या बात है जी। ये रही माशाल्लाह, उ तेरी खैर, मैंने हाथ आगे किए, फौरन आगे भागने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास नहीं आना क्या, इधर आओ यार, मैं एक दो को बाहर निकालता हूँ। माशाल्लाह, ओए होए होए, इधर आओ यार, उ तेरी खैर, बाहर ही नहीं आना चाह रहा, मैंने हाथ किया इधर तक आ गया था, फिर फौरन पीछे भाग गया है। वो सामने बैठे हुए हैं इनकी मम्मा, मुझे लग रहा है ये बैठी हुई है बड़े आराम से, बड़ी शरीफ बन के बैठी हुई हो यार। बेबी को निकालते हैं एक दो को, बड़े अच्छे बेबी है माशाल्लाह, नरम नरम से, क्यूट क्यूट से। इधर आओ यार, यार ये बाहर ही नहीं आना चाह रहे, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो गए। ये चेक करें, ये तो आ गया एक बार, और दूसरे को भी बुलाते हैं, फिर वापस रख देंगे। यार आ जाओ बाहर, एक मिनट के लिए आ जाओ, ये तो मुझे काफी बड़ा लग रहा है, जो बार बार आ ही नहीं रहा, तेरी है, ये मुझे काफी बड़ा लग रहा है यार। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह क्या बात है, इसलिए तो बाहर नहीं आ रहा था इतना बड़ा, ये छोटा सा है और भी है। आजा यार, तू भी आजा यार, ये उससे बड़ा लग रहा है मुझे। इधर 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 इधर, क्या बात है माशाल्लाह, ये उससे भी बड़ा लग रहा है। तीन हो गए, और देख लेते हैं, हॉल काफी लंबा है, हाथ आगे जा नहीं रहा, यही बैठे हुए थे सामने, उनको हमने बाहर निकाल लिया, ये फिर रहे हैं माशाल्लाह, काफी बड़े हो चुके हैं, खुद ही चलने लग गए। इधर आओ यार, इनकी आंखें खुली हैं कि नहीं, उतरी खैर, भागता कैसे है, इधर तो आओ, इसकी अभी आईज थोड़ी थोड़ी खुली हैं, पहली दफा देख रहा हूँ माशाल्लाह इतने क्यूट क्यूट से बेबी। इधर आओ आप, इधर आओ, हाँ जी, इसकी आंखें ज्यादा खुली हैं। और दोस्तों ये वाला रैबिट था जो हमें सबसे पहले मिला था, इसको हम दो दिन वीडियो में रिकॉर्ड करते रहे हैं, देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। और इसके ये वाले भाई हैं, पत्नी बहने हैं या भाई हैं, उतरी खैर, वो हॉल के अंदर खुद ही जा रहा है। चलो यार आपको भी भेज देता हूँ, जाओ हॉल के अंदर, इनको पता है हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें वहाँ पे खाना मिलेगा, चलो जाओ आप भी जाओ, खुद ही जा रहे हैं हॉल में। वो चेक करें वो दो कहाँ पहुँच गए हैं, जो पहले छोटे थे, ये भी छोटा है, ये भी जाने की ट्राई कर रहा है,
चलो जाओ 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 जाओ, गुड हो गया, क्या बात है। वो फिर बाहर आ रहा है, ये तो ऐसे खेलते रहेंगे। चलो यार अंदर जाओ, आपकी मम्मा गुस्सी होगी। चलो दोस्तों, माशाल्लाह इतने क्यूट बेबी देख के मेरा दिल काफी खुश हुआ। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। माशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाने लग गई है, हमारे पेट्स ब्रीडिंग करने लग गए हैं। अब काफी देर हो चुकी है, अब हम जल्दी से चलते हैं मार्केट और डेंजरस एनिमल को बाय करके लाते हैं। चलो आओ बाहर आओ। इन पेट्स को कुछ हल्का फुल्का मैंने खाने के लिए दे दिया। ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, एक दूसरे का ख्याल रखना, लड़ाई नहीं करनी। बाकी जो केज में हमारे पेट्स है ना, उनको मैं आके देखूंगा। ओ तेरी खैर, अकबर को क्या हुई है? अकबर ऊपर से फ्लाई करके नीचे आया है, क्योंकि मैंने इनको अभी खाना दिया ना, ये भी खाना खाना चाह रहे हैं। चलो यार मैं चलता हूँ। हम पेट्स मार्केट पहुंचे हैं, अब हम अंदर चलते हैं और आपको डेंजरस एनिमल दिखाता हूँ कौन सा हमने बाय करना है। वो सामने भाई खड़े हैं, ये तो छोटे भाई हैं। भाईजान इधर आना यार, ये चेक करें, ये डेंजरस नेवला है जो हमने बाय करना है। बड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे। बड़े भाई कहाँ पे गए हैं? भाई शाम को आएंगे। शाम को आएंगे? ओ यार ये नेवला बाय करना था हमने, आप दे देंगे फिर? तो उनको मैंने ईगल का भी कहा था, ईगल नहीं आई अभी? ईगल थोड़े दिन तक आएगी, पता कर रहे हैं भाई। यार मुझे कन्फर्म करके बता दें, नहीं तो मैं खुद ही पकड़ लूँ, मैं खुद भी पकड़ लेता हूँ ईगल। अच्छा अब इसको कैसे देंगे हमने, इसको बाय करना है? ये आप में केज में दे दें यार, मैं केज नहीं लेके आया दोस्तों, मैं केज नहीं लेके आया, केज लाना भूल गया हूँ। उठ तेरी खैर, उठ कैसे रहा है? उल यार अपने आप पे अटैक कर रहा है ये, तो अपने पंजे खा रहा है ये। छोड़ है, इसके मुंह के साथ ब्लड लगा हुआ है, इसके दांत भी टूटे हुए हैं यार। भाई से पूछते हैं इसको, पता नहीं क्या हो गया है। उठ तेरी दोस्तों, ये वाला केज ले आए हैं, अब हम नेवले को इसमें कन्वर्ट करने लगे हैं। भाई काफ़ी डर रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़े भाई को पता होता है इसके बारे में। इसके साथ ऊपर खोलना, ये केज इसके साथ लगा दी और उसका दरवाज़ा खोल दिया और इधर से भी खोल दिया, रस्सी लगा दी। ये स्टिक ले है, थोड़ा सा इसको ना यहाँ से डराते हैं ताकि उस तरफ जाए उस केज में। चल अंदर आराम से मारना, हो मारना यार। अंकल आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए, ये कह रहे हैं गोश्त का टुकड़ा इसके अंदर गिरा दें और ये खुद ही आ जाएगा अंदर। आ जाएगा प्लास्टिक का स्टिक ले। बड़े जालिम है ये तो, इसके मुंह पे चोट भी लगी हुई है। चल यार उस केज में चल, पेट हाउस में लेके चलें तुझे, वहाँ पे तेरी सही से केयर करेंगे, यहाँ पे तो कर ही नहीं रही है। हो गया, क्या बात है यार, उसको बंद कर रहे, खुद ही चलाई अपनी मर्जी से, गुड हो गया यार। यहाँ पे काफी दोस्त आ गए थे, वो अपनी अपनी ट्राई कर रहे थे, अब ये खुद ही चलाई है। चलो यार चले, हमने इसको बाय किया 3000 रुपए में। दोस्तों फाटक बंद था, मोटरसाइकिल में उधर से लेके आया हूँ, 15 मिनट हो गया मैं धूप पे खड़ा हुआ था। फिर हमारे नेवले को मैंने यहाँ पे खड़ा किया भाई के पास, और मोटरसाइकिल मैंने वहाँ पे खड़ी की, अब इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है यार मेहरबानी। यार जब से मैं लेके आया हूँ ना इधर फाटक पे खड़ा हूँ, हर बंदा अपनी सवारी से उतर उतर के आके देख रहा है, हैरान हो रहे हैं लोग देख के ना, ये पता नहीं क्या चीज़ लेके जा रहा है। दोस्तों इस नेवले को मैं इधर पेट हाउस में लेता आया हूँ, थोड़ा सा मसला हो गया है, वालिद साहब काफ़ी गुस्से हो रहे हैं, मैं इसको ऊपर लेके आया हूँ, वालिद साहब ने मुझे नीचे भेज दिया इस नेवले के साथ। वो कह रहे हैं इतनी डेंजरस चीज़ हमने आपको नहीं रखने देनी, या इसको वापस करके आओ या इसको आज़ाद कर दो, थोड़ा सा इशू हो गया है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।